हाँ, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, कि राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि अध्यादेश तो क्या होता है, विधेयक क्या होता है और अधिनियम क्या होता है। तो ध्यान रखना, जब संसद सत्र में होती है तो विधेयक पेश होता है, यानी बिल पेश होगा और दोनों सदन उसको पारित करें, राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आए, तब वो अधिनियम बनता है। तो विधेयक तो कब आता है? जब पार्लियामेंट इन सेशन, यानी पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है। लेकिन अध्यादेश कब जारी होगा, या अध्यादेश क्या है, ऑर्डिनेंस क्या है? जब पार्लियामेंट सत्र में नहीं है, अर्थात संसद सेशन में नहीं है, उस समय कोई विशेष परिस्थिति आ गई है, तब सरकार जो है ऑर्डिनेंस जारी करवा सकती है राष्ट्रपति के माध्यम से। अतः प्रमुख अंतर विधेयक में और अध्यादेश में क्या होता है कि विधेयक जो है वो संसद सत्र में नहीं होने पर, और सॉरी, विधेयक तो संसद सत्र में रहने पर, और अध्यादेश संसद सत्र में नहीं है। विधेयक पर राष्ट्रपति की स्थिति अंतिम है, पहले वह लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर के और फाइनली राष्ट्रपति के पास आता है, तो अंतिम स्थिति रखते हैं राष्ट्रपति विधेयक पे। लेकिन अध्यादेश की शुरुआत ही कहाँ से होती है? राष्ट्रपति से होती है। सरकार इसको ड्राफ्ट के रूप में बना करके पेश कर देती है और राष्ट्रपति अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संविधान प्रदत्त जो आर्टिकल 123 है, वहाँ सरकार से कोई सवाल करना चाहे कि बताइए कोई स्पेसिफिक रीजन जिसकी वजह से आप ऑर्डिनेंस जारी करवा रहे हैं, तो सरकार संतुष्ट करती है राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 का इस्तेमाल करते हुए और ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। तो यहाँ राष्ट्रपति की स्थिति प्रथम है, और उसके पश्चात लोकसभा और राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन होगा और फाइनली वापस राष्ट्रपति के पास आएगा और साइन कर देंगे तो अधिनियम बनेगा। यानी अध्यादेश का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, विधेयक जो है वो पहले लोकसभा राज्यसभा से होके गुजरता है। ठीक है, तो ये प्रमुख अंतर होता है विधेयक में और अध्यादेश में। और अधिनियम, आप सब जानते हैं कि संसद द्वारा पारित कोई विधेयक है और अध्यादेश का अनुमोदन हो गया और राष्ट्रपति ने फाइनली हस्ताक्षर कर दिया आर्टिकल 111 में, तो वो विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। तो आज अध्यादेश से जुड़ी हुई कुछ सवाल हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या सवाल बनाएगा और किस तरीके से हमें उनके आंसर देने हैं। तो आर्टिकल 123, और इसमें क्या है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करना। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं आर्टिकल 123। अब हमसे सवाल पूछेगा कि बताइए कब जारी करता है राष्ट्रपति अध्यादेश? जब संसद सत्र में नहीं हो, जब संसद सत्र में नहीं हो, अर्थात एक सदन के 17 अवसान में रहते भी, यदि किसी सदन का उस समय सत्र नहीं चल रहा है, जैसे बजट सेशन है, तो ये दो चरणों में आता है राज्यसभा में, तो कुछ समय के लिए वहाँ वो सत्रावसान स्थिति में होती है, 15-20 दिन। ऐसा अगर है तब भी आप लोकसभा के सत्र में रहते और राज्यसभा के सत्र में नहीं रहने पर भी आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है, इसके साथ ये ध्यान रखें कि जब संसद सत्र में नहीं हो और कोई विशेष परिस्थिति मौजूद हो, अर्थात ऑर्डिनेंस साधारण परिस्थितियों में नहीं जारी होगा, कोई विशेष परिस्थिति मौजूद है तो ऑर्डिनेंस जारी होगा।
मान लीजिए किसी भी प्रकार का सरकार को आवश्यकता पड़ गई, इस समय सत्र में नहीं है संसद, तो आप अध्यादेश जारी करा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को आपको बताना होगा कि किस विशेष परिस्थिति की वजह से आप यह है ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। अब आपसे सवाल करें कि बताइए इस अध्यादेश को तैयार कौन करता है भाई? तो इस अध्यादेश को तैयार करने का काम मंत्रिमंडल करता है। प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे और उसमें जो परिस्थितियां देश के सामने आई हैं उससे संबंधित चर्चा करेंगे और अंततः एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे ऑर्डिनेंस का, जो राष्ट्रपति को संप्रेषित कर दिया जाएगा। अब हमसे पूछे कि भाई इस अध्यादेश की प्रकृति कैसी है, स्वरूप कैसा है इसका? तो इसका स्वरूप जो है वो अस्थाई है। अस्थाई क्यों है भाई? राष्ट्रपति जारी कर रहे हैं, अतः ये ऑर्डिनेंस जाएगा कहाँ? अभी तो लोकसभा के पास जाना है, राज्यसभा के पास जाना है। जब दोनों सदन इसको पारित कर देंगे और फाइनली फिर राष्ट्रपति साइन करेगा, तब ये स्थायी प्रभाव वाला होगा। तब तक आप इसको लागू कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना कि विधेयक फाइनली साइन होने के बाद, गजट नोटिफिकेशन हो गया, तब आप लागू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस उसी दिन से, जिस दिन से जारी होता है उसी दिन से लागू हो जाएगा, लेकिन किस रूप में? अस्थाई रूप में। अब वो सवाल जो बारंबार किसी परीक्षा में पूछता है कि बताइए अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या है? अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या है? तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या है? 6 महीने है। या भाषा बदल के पूछ ले कि अध्यादेश का संसद द्वारा अनुमोदन कितनी अवधि में होना चाहिए? तो वो भी 6 महीने में। ऐसा क्यों है? ये 6 महीने क्यों है? क्योंकि दो सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 महीने का। हर हाल में एक वर्ष में दो सत्र तो आएंगे, इसलिए इन दो सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल जो है वो 6 मंथ का है। इस वजह से इस ऑर्डिनेंस की अधिकतम अवधि 6 महीने है। लेकिन भाषा बदल करके हमें पूछे कि संसद सत्र में आने पर, संसद सत्र में आने पर या समवेत होने पर पार्लियामेंट इन सेशन, ये भाषा दे करके और फिर कहता है कि अब बताइए अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होगी। तो इसकी अधिकतम अवधि होगी 6 सप्ताह, अर्थात 42 डेज, 6 सप्ताह या 42 दिन। दोनों अवधियों को मिलाना नहीं है, अलग अलग पढ़ना है। यदि हमसे ये पूछता है कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होगी तो 6 महीने, और यदि ये पूछे कि संसद सत्र में आने पर अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होगी तो 6 सप्ताह। भाषा पढ़ करके ही आप आंसर दे पाएंगे। यदि भाषा से ये प्रतीत हो कि संसद अब सत्र में आ गई है और वो अवधि पूछ रहा है, तब आप कहेंगे 6 सप्ताह या 42 दिन। लेकिन कहीं भाषा में प्रतीत नहीं हो रहा कि संसद सत्र में है कि नहीं है, जैसे अध्यादेश की अधिकतम अवधि,
इसका मतलब है संसद सत्र में नहीं है, अध्यादेश का संसद द्वारा अनुमोदन 6 महीने, लेकिन भाषा से प्रतीत हो जाए संसद सत्र में आने पर या संवेत हो गई है। अब अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होगी? 42 दिन। कुछ मित्र इन दोनों अवधियों को एक साथ कर देते हैं, कुछ पढ़ाने वाले भी पढ़ा रहे हैं और पढ़ने वाले भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें सही पढ़ना है। दोनों अवधियों को अलग रखना है, 4 बार बोल चुका हूँ, 6 महीने को अलग और 6 सप्ताह को अलग। सत्र में नहीं रहने पर 6 महीने, सत्र में आने का आभास हो जाए 6 सप्ताह। कभी भी आप 6 महीने को और 6 सप्ताह को एक साथ मत कर देना कि अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह। नहीं, ऐसा नहीं होता कि 180 डेज में आप इंतज़ार करोगे अब सत्र बुलाओगे। हो सकता है आपने ऑर्डिनेंस आज जारी किया और 15 दिन बाद ही संसद सत्र में आ गई, तो 15वें दिन आपकी 6 महीने की अवधि ख़त्म हो जाती है और शुरू हो जाएगी अवधि आपकी 6 सप्ताह की। तो 6 सप्ताह में मान लीजिए आपने 10 दिन में इसका अनुमोदन कर दिया, तो फाइनली वो एक्ट बन जाना है, यानी 25 दिन में तो आपने अधिनियम बना लिया, तो फिर 6 महीने 6 सप्ताह किस लिए? और हो सकता है कि अध्यादेश दर अध्यादेश आप जारी करते रहें, तो जब भी आप अध्यादेश जारी करेंगे 6 महीने की अवधि शुरू होगी, संसद सत्र में आएगी तो 6 सप्ताह की शुरू हो जाएगी। अतः दोनों अवधियों को अलग अलग हमें पढ़ना है। अब यदि हमसे पूछता है कि क्या इस अध्यादेश को वापस लिया जा सकता है क्या भाई? यस, मंत्रिमंडल की सिफारिश पे ही तो ये जारी हो रहा है और मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति इसे वापस ले लेंगे। वापस लिया जा सकता है, लेकिन कौन कहे? मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और कैबिनेट ही तो जारी करने के लिए कह रहा है और वापस लेने के लिए भी, और ये कह रहा है। तो ये वापसी का उदाहरण जो चर्चा में रहा आरएस 2016 में, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2014 मौजूदा सरकार ने वापस लिए। और इसके उदाहरण, ये तो सिर्फ ऑर्डिनेंस है, अधिनियम भी वापस ले सकते हैं, और इसका उदाहरण है आपके 3 कृषि बिल, 3 कृषि विधेयक जो फिर बन गए थे अधिनियम, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए थे इन पर, एक्ट बन गए थे, अधिनियम बन गया था, इनकी भी वापसी हो गई। इसका मतलब है चाहे ऑर्डिनेंस हो और चाहे एक्ट हो, यदि प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट ये लिख करके देता है कि माननीय हम इन अधिनियम को या इस अध्यादेश को वापस लेना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति उसे वापसी पर साइन कर देंगे। और आपके सामने है 3 कृषि बिल जो पारित हुए उनको वापस लिया गया, और ये भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2014 जिसे फिर विधेयक के रूप में और कन्वर्ट किया था, और विधेयक के रूप में वो पारित हुआ नहीं, केवल लोकसभा से पारित हो सका 9 संशोधनों सहित, और राज्यसभा ने पारित किया नहीं। अंततः 3 बार ये अध्यादेश जारी किया था वर्तमान सरकार ने, और 4थी बार में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे वापस ले लिया था सरकार के कहने पर। तो इसका मतलब है वापस भी हो सकता है, किसकी रिकमंड पर? मंत्रिमंडल की रिकमेंड पर तो जारी होता है, मंत्रिमंडल की रिकमेंड पर ही वापस हो सकता है। अब आपसे सवाल पूछे कि क्या ऑर्डिनेंस का आप जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हैं क्या भाई? क्या इसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है? यस, जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में आप इसको क्या कर सकते हैं? चुनौती दे सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इसका जुडिशियल रिव्यू करते हुए अध्यादेश को वैध करार दे सकता है, वैलिड और इनवैलिड, एक तरह से अवैध करार दे सकता है, आंशिक या
पूर्णतः। किसी ऑर्डिनेंस में 10 बिंदु हैं, उनमें से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिंदु संख्या 3, 7 और 9 को छोड़कर शेष वैलिड है, या 3, 7 और 9 को रद्द किया जाता है। और पूर्णतः का मतलब बिंदु संख्या 1 से लेकर 10 तक सभी संविधान से बाह्य हैं, अतः संविधान सम्मत नहीं है, ऑर्डिनेंस को रद्द किया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय क्या अध्यादेश को रद्द कर सकता है? कर सकता है, वैलिड भी करार दे सकता है और इनवैलिड भी करार कर सकता है, आंशिक भी और पूर्णतः भी। यदि हमसे पूछे अब कि इसका प्रभाव कैसा होता है, तो शुरू में ही हम बात कर चुके हैं कि इसका प्रभाव होगा अधिनियम के जैसा। किसके जैसा? अधिनियम के और जैसा। परंतु अस्थाई, टेम्पररी और जारी करने की तारीख से, जारी करने की तारीख से ये प्रभावी होगा। किस दिन से प्रभावी माना जाएगा? जिस दिन राष्ट्रपति ने इसको जारी किया है। तो एक बार पुनः हम इस पर बात करें कि आर्टिकल 123 किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश से। कब जारी होगा? जब संसद सत्र में नहीं हो और कोई विशेष परिस्थिति मौजूद हो। अध्यादेश और विधेयक में क्या अंतर है? विधेयक संसद सत्र में रहने पर जारी होगा और अध्यादेश जो है संसद सत्र में नहीं है तो जारी होगा। कौन तैयार करेगा? मंत्रिमंडल तैयार करेगा, प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट। प्रकृति कैसी है, नेचर कैसी है, इसका स्वरूप कैसा है? अस्थायी है, क्योंकि अभी संसद द्वारा अनुमोदन होना बाकी है। और इसके बाद हमसे पूछता है कि बताइए अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होगी? 6 महीने। या पूछे अध्यादेश का संसदीय अनुमोदन कितनी अवधि में हो जाना चाहिए? 6 महीने में। लेकिन भाषा बदल के पूछे कि संसद सत्र में आने पर अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होगी, या संसद समवेत होने पर अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होगी, तो 6 सप्ताह यानी 42 दिन। दोनों अवधियों के हमें अलग अलग रखना है, मिलाना नहीं है। और यदि हमसे पूछे कि बताइए क्या इस अध्यादेश को वापस लिया जा सकता है? यस, मंत्रिमंडल की रिकमेंड पे ही जारी होता है और मंत्रिमंडल की सिफारिश पे ही आप इसे वापस ले सकते हैं। क्या कोई हुए हैं? अभी ताज़ा उदाहरण आपके सामने हैं, 3 कृषि बिल जो अधिनियम बन गए थे वापस ले लिए गए, और भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2014 ये भी 3 बार जारी हुआ था और इसको वापस ले लिया गया। क्या जुडिशियल रिव्यू करवाया जा सकता है? यस, आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज इसे कर सकते हैं यदि आपके फंडामेंटल राइट्स को ये छीनता है, कम करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डिनेंस को वैलिड और इनवैलिड, इनवैलिड आंशिक भी और पूर्ण भी, टोटली खारिज कर सकता है या कुछ बिंदुओं को छोड़कर उसे वैलिड करार भी दे सकता है। अंततः कि इसका प्रभाव कैसा होगा, तो इसका प्रभाव जो है वो एक तरह से अधिनियम के तरह होगा, जैसे कानून है वैसा होगा, लेकिन अस्थायी होगा। किस दिन से प्रभावी माना जाएगा? जारी करने की तारीख से प्रभावी माना जाएगा। जिस तरह का हम संघ में ऑर्डिनेंस पढ़ रहे हैं, उसी तरह का राज्य में भी ऑर्डिनेंस है, वो आर्टिकल 213 में है। यही सारी चीज़ें वहाँ हैं जो राष्ट्रपति में हैं। तो ठीक है मित्रों, देखते रहिए आप। धन्यवाद।